उत्तर प्रदेश के उमेश पाल हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने अतीक अहमद के परिवार को लेकर एक अहम बयान दिया है। अतीक अहमद के बेटों की हत्या का शक जताते हुए राम गोपाल यादव ने कहा है कि सरकार के निर्देश हैं, उमेश पाल हत्याकांड में जो भी लोग शामिल हैं वो लोग जहां पर भी मिले उन्हें मार गिराया जाए। ऐसे में जो जहां पर भी मिलेगा उसे मार दिया जाएगा। अतीक अहमद के दो बेटों में से किसी की हत्या भी अगले एक दो दिनों में हो सकती है। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, दो लड़कों पढ़ते पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक दिन में, आप देखिए। प्रयागराज की उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के बेटों की हत्या का शक जताते हुए राम गोपाल यादव ने यह बयान इटावा जनपद में दिया है। राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार पद पर हैं, उनके इस बयान को खासा अहम माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लोगों ने इस बात का शक जताया है कि राम गोपाल यादव ऐसा अतीक अहमद के परिवार को बचाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये बात समझनी होगी कि राम गोपाल यादव ने कहा क्या। राम गोपाल यादव ने कहा कि सरकार की ओर से ये निर्देश है कि उमेश पाल की हत्या में जो भी लोग शामिल हों उन लोगों को जहाँ पर भी मिले वहाँ पर मार गिराया जाए। राम गोपाल ने कहा कि अतीक अहमद के दो बेटों को पुलिस ने पहले उठा लिया था, इनमें से किसी की अगले एक दो दिनों में हत्या हो जाएगी। राम गोपाल यादव ने यह भी कहा कि पुलिस ने इस मामले में जो भी जहां पर भी मिला उसका एनकाउंटर कर दिया, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए गए हैं। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारेंगे। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, दो लड़कों पढ़ते पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आदमी में, आप देखिए। जबकि संविधान हमारा आदमी को जीवन के अधिकार का मौलिक अधिकार देता है, किसी के जीवन को आप ले नहीं सकते विधि सम्मत तरीके के अलावा, और कोई रास्ता नहीं। सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो, कोई मारा जाए, मारा जा सकता है, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं, इन पर हत्या का मुकदमा कायम होगा। ये पहले भी हुए, एक बार नहीं दर्जनों बार हुए, जांच में क्यों तो है। अतीक की पत्नी कह चुकी है और उसने लिख के दिया, हाई कोर्ट गई, कोर्ट गई कि मेरे दो बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी, एनकाउंटर कर सकती। अब एनकाउंटर होगा तो फर्जी होगा ही। लेकिन रामगोपाल यादव के इस बयान की टाइमिंग को देखकर यह समझना होगा कि यह बयान किस वक्त दिया गया है। बयान उस पृष्ठभूमि पर दिया गया है जिसमें अतीक अहमद के गुर्गे अरबाज और विजय उर्फ उस्मान को पुलिस ने एनकाउंटर्स में मार गिराया है। अतीक के तमाम गुर्गों की गिरफ्तारी हुई है और कई स्थानों पर विवेचक लगातार पर्चे काट कर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अतीक को गुजरात की जेल से लाने का पूरा प्लान बनाया जाए। ऐसे में रामगोपाल यादव का बयान किस मंशा से दिया गया है इस बात को समझना होगा। राम गोपाल की कही बात छोटी नहीं कही जा सकती, वो समाजवादी पार्टी के एक बड़े पद पर हैं, अखिलेश यादव के चाचा हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, ऐसे में उनका बयान कोई छोटा बयान नहीं हो सकता। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।